उम्मीद है पीछे का सारा वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो पहले जाके उसको देख लीजिए, तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसमें एक एलिमेंट आयरन दिया हुआ है और दूसरा क्रोमियम। आयरन का ई नॉट इसको क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। आयरन का ई नॉट -0.44 वोल्ट होता है, ये पहले समझाया जा चुका है। और क्रोमियम का -0.74, इसके यहाँ पर कोई भी एलिमेंट दे सकता है, उसका वैल्यू क्वेश्चन एग्जाम में दे देगा। अब पूछेगा एनोड किसका बनेगा, तो याद कीजिए एनोड को मतलब आयरन कॉपर से नहीं है, आयरन या क्रोमियम से मतलब है कि किसका ई नॉट कम है किसका ई नॉट ज़्यादा है। तो जिसका ई नॉट कम होगा उसका एनोड बनेगा, तो ये दोनों में किसका कम है, -0.74, -0.44 और -0.74 में ये कम है, तो क्रोमियम का बनेगा एनोड, पूछा जा सकता है वहाँ। कैथोड किसका बनेगा, जिसका एनोड ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर होगा आयरन। नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन होता है, जिसका एनोड कम होता है, तो ये दोनों में कौन कम है, क्रोमियम, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड कौन होता है, जिसका एनोड ज़्यादा होता है, तो ज़्यादा कौन है, आयरन। ऑक्सीडेशन किसका होता है, जिसका कम होगा, कम कौन है, क्रोमियम। रिडक्शन किसका होता है, जिसका ज़्यादा होता है, आयरन आंसर होगा। अच्छा, जिसका ऑक्सीडेशन होगा या ऑक्सीकरण होगा उसको अपकारक कहते हैं, यह भी याद रखना है, रिड्यूसिंग एजेंट अपकारक। जिसका ऑक्सीकरण होगा अपकारक, और जिसका अवकरण होगा ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। एनोड पर क्या रिएक्शन होता है, याद कीजिए एनोड पर क्या रिएक्शन होता है, ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण इसमें किसका होगा, क्रोमियम का। तो याद कीजिए क्या लिखा जाता है, क्रोमियम, याद कीजिए ऑक्सीकरण होगा तो प्लस चार्ज बाद में आएगा, प्लस चार्ज बाद में आएगा, और क्रोमियम पर 3 प्लस चार्ज होता है, ये समझाया गया है। और कितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर ए क्यू लिख दिया जाएगा ब्रैकेट में, ए क्यू का मतलब पानी में घुला हुआ है, क्रोमियम क्या होता है, ठोस। तो एनोड पर क्या होगा, ऑक्सीकरण, मतलब क्रोमियम बदलेगा क्रोमियम 3 प्लस में। अच्छा, इसका अवकरण होता तो उल्टा लिखा था, ये इधर और ये इधर। और कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर क्या होता है, कैथोड पर होता है अवकरण, तो अवकरण किसका होगा, लोहा का। तो अवकरण वाले में क्या होता है, प्लस चार्ज घट जाता है, तो पहले देना है लोहा जिस पर प्लस चार्ज है, बाद में लिखा है ये ठोस, यही ऑक्सीकरण लिखा था, तो ये पहले और ये बाद में, इलेक्ट्रॉन उधर ऐड करना है जिधर प्लस चार्ज ज़्यादा है या माइनस चार्ज कम है। इसको यदि अवकरण के तरह लिखना हो तो ये इधर आयरन इधर, इसको यदि ऑक्सीकरण के जगह पर अवकरण बनाना हो तो ये इधर ये उधर, तो वो डिपेंड कर रिएक्शन सेम होता है, उसका उलट जाता है। अवकरण में क्या होता है, अवकरण में प्लस चार्ज घट जाता है और ऑक्सीकरण में प्लस चार्ज बढ़ जाता है, इधर प्लस चार्ज ज़्यादा होगा उधर इलेक्ट्रॉन जाएगा, इलेक्ट्रॉन यदि राइट में होगा तो ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन यदि लेफ्ट में आएगा तो अवकरण, एनोड पर क्या होता है, ऑक्सीकरण, कैथोड पर क्या होता है, अवकरण। ये पहले समझाया जा चुका है, नहीं समझाया तो पहले एक बार जाके पहले वाला सारा देख लीजिए टॉपिक। चलिए अब आइए ई नॉट सेल। ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल होता है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। राइट लेफ्ट नहीं समझ में आता है तो पहले जाके देख लीजिए पीछे का, वो भी नहीं समझ में आता है तो हमेशा याद रखना है कि ई नॉट सेल हमेशा ज़्यादा से कम को घटाया जाएगा। तो -0.44 और -0.74 दोनों में कम ज़्यादा कौन है, ज़्यादा हुआ 0.44, तो ज़्यादा से कम को घटाना है, तो ये हो जाएगा कितना, 0.30 वोल्ट। -0.44 ज़्यादा था उसमें घटाएंगे, -0.74 हमेशा ही नॉट सेल में अधिक से कम घटाएंगे, आंसर हमेशा प्लस में आएगा। कल का टॉपिक याद होगा आपको, सेल, सेल में याद कीजिए बाएं तरफ लिखा था एनोड, एनोड मतलब कौन है, क्रोमियम वाला, तो क्रोमियम वाला है तो लिखा आएगा क्रोमियम
सॉलिड क्रोमियम 3+ ब्रैकेट में Au कर देना है, अब बीच में साल्ट भी लीजिए। उधर कैथोड वाला लिखा था, कैथोड में क्या होता है अवकरण, तो कैथोड किसका बना है लोहा का, Fe2+ ब्रैकेट में Au लिखाएगा और Fe। एक बार में नहीं समझ में आया तो दो तीन बार देखिए, और यदि समझ में आ गया होगा तो ये वाला क्वेश्चन बना के रखना है कि यदि लोहा और जिंक दिया जाए तो किसका क्या होगा, सारा क्वेश्चन वही है। अब वैल्यू यदि याद नहीं है तो पीछे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सारा वैल्यू समझाया गया है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में वैल्यू देख लीजिए, सारा कॉन्सेप्ट वही है, इसमें सारा क्वेश्चन वही है। एनोड किसका बनेगा, कैथोड किसका बनेगा, नेगेटिव पॉजिटिव कौन होगा, आयरन और जिंक में क्या होगा, इसको बनाने का कोशिश करना है, नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा।